दिल धड़क रहा होता है. मे बी आई एम वेरी लकी कि मैं तीन दफा मुझे जिंदगी में मौका मिला मोहब्बत करने का. वी बिकम मदर्स एंड सासेस एंड ग्रैंड मदर्स. आप हीरो अभी तक खड़े हैं तो ये तो बड़ा जुल्म है. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज हम कहाँ हैं? हमने कहा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं और हमारी जो आज मेहमान हैं उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. जो हमारी आज मेहमान हैं उनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. अतीका ओडो का नाम जाना पहचाना है, हम सब उनके बहुत बड़े मद्दा हैं और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सो वो मुझसे कही थी, राबिया मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी फेवरेट पर्सन हूँ. मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनको इंटरव्यू किया था तो शी वाज़ लाइक फिर से बातचीत करनी है. मैंने कहा वो तो हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक पर किया था, मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है आपसे पूछने के लिए और गप्पे लगाने के लिए. तो देखते हैं कि आज मेरे क्या सवाल आते हैं और उनके क्या जवाब आते हैं. अस्सलाम वालेकुम अतीका. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? आई एम फाइन एंड आई एम रेडी फॉर योर इंटरोगेशन. नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इंटरोगेशन, इट्स गोइंग टू बी अ गपशप. ओके, डन. ठीक है. और पहले मैं दो दफ़ा इंट्रो में रुकी तो उन्होंने कहा मैं चली जाती हूँ. मैंने कहा नहीं नहीं, मैं चैलेंज ले लेती हूँ. अब देखिए मैंने रुके बगैर कर लिया. वेरी गुड, वेल डन. ओके, क्या हो रहा है आजकल, आप क्या कर रही हैं? वेल फर्स्टली वेलकम टू माय होम. थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली प्लेस. थैंक यू. बाय द वे, द मिनट आई एंटर्ड मुझे इतनी कोजी फीलिंग आ रही थी. इट्स अ होम. तो ये है कि मैं बहुत कम लोगों को घर बुलाती हूँ. तो आई थिंक फरा एंड यू हैव बिकम लाइक फैमिली नाउ बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक ओके व्हाट्स हैपनिंग. सो बस काम चल रहा है. आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट विद आई ड्रीम्स. आई एम एक्साइटेड बिकॉज मैं पहली बार अब्दुल्ला सीजा के साथ काम कर रही होंगी. आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम. ही हैज़ एन एक्सलेंट रेपुटेशन एज अ प्रोड्यूसर इन द मार्केट. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड दैट ही एंड आई आर डूइंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर. तो इंशाल्लाह इट विल वर्क आउट वेल. Interesting role, interesting script. Numan Ijaz is my husband in it. Oh, your favorite. The golden pair yes, is back. The golden pair is back. हाँ, तो हम तो बड़ी excited हैं. You know, it might. I mean, I think audience को अच्छा लगता है जब Numan और मैं साथ होते हैं तो audience बहुत खुश होती है because उनको एक हमारी nostalgia point of view से ना दश निजात ये सब चीजें याद हैं. Yes, yes. अच्छा जब हम आए तो आपने मुझे बताया कि इधर इस हम तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत जगह है. तो उन्होंने कहा इस जगह जितने पीसेज हैं ऑलमोस्ट हर किसी के पीछे एक कहानी है. हर किसी पीस की कहानी तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन इसमें से जो भी आपका फेवरेट पीस है या जिसकी कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी है मुझे पिक करके चूज करके सुना दें उसकी कहानी. खैर वैसे तो हर चीज़ कहीं से या तो आई है या इट्स एसोसिएटेड विद समबडी एज अ मेमरी या आई हैव ट्रैवल्ड समवेयर एंड दुनिया से चीज़ें छोटी मोटी लेके मैंने अपने घर में सजाई हुई हैं कि मैं इधर भी गई थी उधर भी गई थी. कहानी हो जिसके पीछे. हाँ तो कुर्सी, जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा, ये कुर्सी जो है अक्सर तो कुर्सी पे ही लोग लड़ते हैं लेकिन दिस कुर्सी, आपके पास तो कुर्सी है. मेरी कुर्सी है. दिस रिक्लाइनर रॉकर दैट यू आर सिटिंग ऑन बेसिकली हैज ट्रैवल्ड फॉर 24 years ऑल ओवर द वर्ल्ड विद मी. ओह वाओ. और है तो बड़ी तगड़ी, इट्स लास्टिंग, बट ये है कि इट्स गॉन टू इट्स इट केम फ्रॉम द US एंड मूव टू द UAE देन इट मूव टू इस्लामाबाद देन इट मूव टू कराची. ये वो कुर्सी है कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय यंगेस्ट डॉटर एंड इन माय लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी आई वाज सो बिग दैट आई कुडंट लाई इन अ बेड साइडवेज फ्लैट. तो मैंने ये कुर्सी खरीद के लास्ट दो जो महीने थे मेरे प्रेगनेंसी के इस पे मैं लेट के नींद पूरी करती थी. सो आई हैव अ वेरी इमोशनल कनेक्शन विद दिस रिक्लाइनर बिकॉज इट्स ट्रैवल्ड एंड इट हैज़ अ हिस्ट्री. एंड आई थिंक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को ऐसे सजाते हैं कि जी खूबसूरत और अमीर और बड़ा लैविश लगना चाहिए. मेरे लिए व्हेन आई लुक अराउंड माय वॉल्स और आई लुक अराउंड माय रूम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग और समवन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप. यहाँ बहुत ही खूबसूरत. इट्स मेमोरेबिलिया बेसिकली. आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे यहाँ बिठाया गया है. एंड आई स्टिल सिट इन दिस चेयर ऑल द टाइम, वॉच माय टीवी, सिट हियर. एक्चुअली बड़ा सही एंगल है. मैं ये सोचूं बड़े आराम से मजा आया है देख रहा हूँ. तो अच्छा, एक्टिंग में कैसे आई आप? आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्टाइलिस्ट. तो बिहाइंड द सीन्स मैंने काम किया. आई यूज्ड टू do makeovers for actors. आपने कोई courses वगैरह किए हुए थे? I did my in UK से पढ़ के आई थी. I went to complexions and I went to grease paint. फिर मैं Tony and Guy गई. तो मैंने अपने सारा वहाँ से वो जो है sort of courses करके फिर when I came back फिर I started off with Mrs. Daulat Rahmatullah, one of my mentors. तो उनके साथ शुरू किया एज अ स्टाइलिस्ट. फिर कुछ साल वहाँ काम किए. फिर मैं जब एड्स के लिए जाना पड़ता था टू यू नो प्रिपेयर द मॉडल्स और वट एवर आई वर्क बिहाइंड द सीन्स, तो वहाँ पे मुझे ऑफिस बहुत आती थी कि आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी आपको हम
मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, आपसे करवाना चाह रहे हैं. सो देन आई काइंड ऑफ आफ्टर वाइल आई सेड व्हाई नॉट, आई मीन यू नो आई ऑलवेज लव्ड फिल्म, आई लव्ड फैशन, आई लव्ड द आर्ट्स. तो फिर मैंने फैसला किया कि आई सॉर्ट ऑफ टेक द प्लंज. एंड ये वो वक्त था जब आई वाज गोइंग, बाय देन आई ऑलरेडी हैड टू चिल्ड्रन और मेरे आई वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स. तो आई नीडेड द मनी ऑल्सो. अक्सर लोग ना अपने जो एक ज़िंदगी के जो मुश्किल वक्त होते हैं या ज़रूरियात होती है ना, वो फसाड पे छुपा लेते हैं. आई वेरी ओपनली टॉक अबाउट इट कि आई वॉज अ यंग वूमन विद टू चिल्ड्रन एंड गेटिंग अ डिवोर्स एंड आई नीडेड मोर मनी बिकॉज आई हैड किड्स. तो मैंने सोचा कि ये स्टाइलिंग से तो आपको पता है उस ज़माने में इतना नहीं होता था इनकम. सो आई स्टार्टेड देन गोइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो पहला मैंने जो इश्तिहार किया था फॉर लिप्टन, तो मुझे उससे दैट वॉज माई फर्स्ट एड आई डिड एज ऑन स्क्रीन मॉडल. एंड ओवर नाइट सॉर्ट ऑफ पीपल सेड हु इज़ दिस गर्ल. वहाँ से फिर अनवर साहब को मैं नजर आई, फिर अनवर साहब ने सितारा मेहरून ने ऑफर किया. एंड देन यू नो द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड इट्स शुक्र अल्लाह के आज दिन तक. अनवर मकसूद का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया, कैसे हुआ? तो देखिए पहले क्या हुआ, साजिद हसन का फ़ोन आया. अच्छा. हाँ, तो अनवर साहब ने देखा और फिर साजिद हसन को बोला ये लड़की सितारा के रोल में बड़ी अच्छी फिट आएगी. तो देन साजिद, दिस जेंटलमैन विद अ वेरी हैवी वॉइस, एंड हेलो आई एम साजिद हसन एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू बिकॉज अनवर मकसूद साहब हैज़ रिटन अ थिंग एंड ब्यूटीफुल वॉइस, यू नो साजिद हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, राइट? मैं तो यही पूछने वाली थी, आप खुद ही बता दी. मैंने कहा आवाज कैसी थी, क्या बोला, क्या उन्होंने? I thought oh my god just the voice, I mean I have to meet this gentleman. So but then Anwar Saab had a history because he and my father used to play bridge together also. So I didn't really know Anwar Saab as a little girl kyunki unke bridge sessions clubs mein and otherwise hote the. But he did know the family and the family knew him. So for my parents and my family and all, it was acceptable because they knew Anwar Saab and the family and you know, so because actually we were not a television or an entertainment family at all. Nobody in the family, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने फिल्म टेलीविजन थिएटर में कभी काम नहीं किया हुआ था. तो there was a bit of a thing कि भाई ये unknown territory. But then of course then I sort of went, अनवर साहब से मिली, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मिले, फिर इमो आपा मिली, फिर ज़हीर साहब थे डायरेक्टर, फिर सानिया मिली. तो ऐसे लोग मिले मुझे कि एक अपनाइयत थी और एक सॉर्ट ऑफ एक ओवरऑल रिस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड, एंड आई नेवर लुक बैक. देन आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन आई वेंट इनटू फिल्म, लोगों को फिर वो एक झटका पड़ा, ओहो टीवी में तो बहुत इज्जत मिलती है, तुम फिल्म में जा रही हो, माहौल ये वो, घर में सब घर की तरफ से, बिकॉज यू नो इवन फिल्म हैड अनफॉर्चुनेटली अ बैड रेपुटेशन बिकॉज लोगों ने उसका साथ छोड़ा हुआ था. तो मुझे फिल्म का हमेशा बड़ा शौक था राबिया, क्योंकि मैंने ना बचपन में मेरी नानी मुझे ड्राइव इन लेके जाके ना, आई यूज टू वॉच बेग साहब एंड शबनम ऑन द ड्राइव इन स्क्रीन, एंड वी यूज टू हैव माई ग्रैंड मदर यूज टू हैव दिस ओल्ड कैडिलैक एंड वी यूज टू टेक अ टिफिन फुल ऑफ लाइक कीमा पराठा एंड शी आई यूज टू सिट विद द मच्छर्स एंड डेंगे नहीं होता था उस जमाने में. आई यूज टू वॉच दिस फिल्म्स, आई यूज टू बी फैसिनेटेड विद आईना एंड यू नो ऑल दीज ब्यूटीफुल मूवीज. सो जब फिल्म की ऑफिस शुरू हो गई उसके बाद एंड लॉट ऑफ देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, पीपल सेड नहीं नहीं यू नो, एंड टेलीविजन से लोगों ने बड़ा रिजिस्ट किया कि मत जाओ. ओके, फ्रेटर्निटी ने आपको डिस्करेज किया? या बिकॉज द थिंग इज कि देयर वाज अ बिग डिवाइड बिटवीन सिनेमा एंड द स्मॉल स्क्रीन. एंड आई थॉट दिस इज सो सैड बिकॉज यू नो आई मीन आई ऑलवेज फील के इफ यू आर ट्रीटिंग समवन और समथिंग लाइक द अंडरडॉग देन यू गॉट टू यू नो कंट्रीब्यूट एंड इम्प्रूव दैट. बिल्कुल सही कह रही हैं. सो देन आई टुक अ वेरी पर्सनल and very clear decision that regardless of the outcome I will do film. Okay, because I loved the idea of cinema. To maine fir apni pehli film ki Jo Dar Gaya Wo Mar Gaya wo bhi hit ho gayi. Yeah, mashallah se. Yeah, and I tell you I'm so happy I made that move because pata hai kya, cinema mein jo log mujhe mile aur milte aa rahe hain aaj bhi film mein jo log ab aaye hain sare, you get so much respect. Even then I saw you know senior editors and directors and ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जब मैं लाहौर गई फिल्म इंडस्ट्री को देखने और उनके साथ कहाँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार से रखा. दे वर सो हैप्पी दैट अ टेलीविजन पर्सन वॉज कमिंग एंड अ सेलिब्रिटी हु हैड मेड अ बिग नेम इन टीवी वॉन्टेड टू बी विद दैम. दे वर सो गुड टू मी, आई कॉन्ट टेल यू. तो मैं फिर तो इंडोर्समेंट में यानी कि एम्बेसडर बन गई ना सिन के, आप करें करें करें. तो आई थिंक इन लाइफ यू आर अ यंग वुमन एंड आई टेल यू समथिंग, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने कहा नो नो कांट हैपन, डोंट डू, विल नॉट बी डन, ये नेगेटिव्स बहुत सुनने को मिलते हैं व्हेन यू आर अ यंग वुमन.
always go on instinct. Mm. Yeah. Always. Because your instinct will always make the right choice. Yeah. I always went on my instinct. And I said, no, I don't feel like there's any danger. मुझे कोई ये नहीं लग रहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी या कोई मुझे यू नो जहाँ मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट ऑन मैं शेर की तरह निकल के लड़ती एंड दैट यूज़ टू यू नो व्हेन यू आर अ यंग वूमन देयर इज़ अदर चैलेंजेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ता है बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही बबल में चले जाएँ और आप निकले ही ना दुनिया में राइट So you will hear a lot of people saying you can't do it, like what you're doing today. Yeah. A lot of people must have said you can't do it, Rabia, Farah and Rabia, you're crazy. आप लोग कहाँ जा रहे हैं? But you are doing it, and you're making a difference. जब Future Start के तुम बहुत advices आती थीं. Yeah. ऐसे नहीं करो ऐसे हम we stuck to what we believed in. But as you get popular in life, which I'm sure you're noticing now, वही लोग आपको चाय पे बुलाएंगे. वही लोग कहेंगे यार interview कर लो. I had these drawing room aunties used to say to me, oh my god, TV, film, oh my god, you know, this socialite aunties jo. Wohi kuch saal baad keh rahi hai, mujhe bhi role dilwa dein. So I'm like, you know, your choices are own. If I, dekhen, agar aap galat faisla karte hain apni zindagi mein na, to aapka apna faisla hona chahiye. Sahi baat hai. It should be own choice. If I make a wrong decision, I should own it, learn from it, move on. Yeah. But if I'm going to make my choices based on your opinion or somebody else's opinion, it's not my choice. Yeah. True. Then why should I make a mistake on somebody else's choice? सही बात है ये तो आपने बहुत ही पते की बात बोली You know, I mean, मुझे अपनी गलतियाँ करने देना अच्छा कौन सा इंसान है जिंदगी में जिससे आप मिले हैं मैं मिली हूँ जिसने गलतियाँ नहीं की हूँ सही बात है वी हैव टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज वैन यू मेक मिस्टेक्स यू लर्न फ्रॉम दैम एंड देन यू से ओके आई हैव नेवर हैड रिग्रेट्स आई फॉर मी इट्स ऑल बीन एक्सपीरियंस इट्स ऑल एक्सपीरियंस वेदर इट्स बीन प्रोफेशनल और पर्सनल आई हैव ऑलवेज सेड I have learned something valuable from this experience. Mm-hmm. And how do I improve myself? Because सबसे पहला तो challenge होता है कि अपने आप को ठीक करें इंसान. सही बात है. और आपका अपना आप ही competition होता है. Yeah. And should be. होता है. Should be. आप drama में थी फिर आप फिल्मों की तो आपके लिए भी वो अपने ही आप से आगे बढ़ना था. Not anyone else. नहीं and the thing is कि I think artist का ये एक होता है कि हम ना bore हो जाते हैं. हमें ना हमेशा कोई exciting new challenge चाहिए होता है ताकि हम खुद भी engaged रहें. फिर हमारी ऑडियंस भी बोर हो जाती है जैसे मैंने बड़ी कोशिश की है थ्रू आउट कि अगर मैंने सितारा मेहरुन्निसा किया उसके बाद दश्त किया फिर निजात किया अगर हमसफ़र किया फिर प्यार के साथ के किए अब परदेश किया सो लुक फील टेम्परमेंट ऑफ कैरेक्टर टू बी चेंज फॉर माय ओन सेक बिकॉज आई वांट यार इसको मैं यू नो हाउ डू आई डेवलप दिस ह्यूमन बीइंग हु इज शी एंड देन ऑडियंस भी कहना देखें आई टेल यंग पीपल हु कम इन टू एक्टिंग के When you make your transition from modeling to acting, there's a difference. What? Because when you come into acting or the performing arts, there is where you will get judged as either just a beautiful face or then also a craftsman. Yeah. Yeah. So getting a nice picture taken and you know modeling is all easy because you know even aaj ke zamane mein to sab kuch photoshop ho jata hai, filters lag jate hain. But jab aap craft ki taraf aate hain, तो वहाँ पता चलता है कि आप में दम कितना है एक्सप्रेशंस नहीं बिकॉज एक्चुअली एक्टिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी चैलेंजिंग क्राफ्ट बिकॉज आई बीन इन ऑन कैमरा नाउ अ लॉन्ग टाइम एंड मेरा ये होता है अच्छा मैं ये किरदार कर रही हूँ लेकिन अब मैंने ऐसे कोई दो पहले तो नहीं कर लिए आप अभी तक पूछते हैं अपने क्या बिकॉज ही यू हैव टू कीप इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ Like I'm starting this project now and I'm thinking, yes, okay, the look is nice, this, but what would make her different? Yeah. Because I am now challenging myself. Agar main apne aap ko ye challenge, if I can succeed, then you as the audience will also like it. Bilkul. Otherwise it doesn't work. You have, it's a fabulous business, but it's very challenging. तो गोइंग बैक टू जहाँ से हम स्टार्ट करते तो घर में बहुत मसले वसले हुए जिससे आप लड़के निकली या मैनेजेबल थे नहीं आई थिंक बिसाइड्स द फैक्ट दैट आई डिवोर्स्ड अ कपल ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ दोज आल्सो चॉइसेस आई मीन आई मेड बैड डिसीजंस और मे बी डिसीजंस दैट वर ओके एट दैट टाइम बट इन द लॉन्ग रन डिडंट वर्क आउट मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज नो यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन हैप्पीनेस यू नो आई मीन आई डोंट नो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट ना ये टाइम बहुत हमें कम मिला है इसमें अब अगर आप यही बैठ के पूरी ज़िंदगी निकाल लेंगे कि मैंने खुश होना है मैंने खुश होना है मैंने अपनी ज़िंदगी तरक्की करनी है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई आके आपको तरक्की का रास्ता भी दिखाएगा इट्स नॉट गोना हैपन आपकी बहुत यंग एज पे शादी हो गई थी या तो आप
फैमिली ने कहा था? नो, आउट ऑफ चॉइस. सो आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. आई केम फ्रॉम अ अपर क्लास एलीट, वेरी एलीट, वेरी मनीड बट ब्रोकन होम. एंड माई होल थिंग वॉज दैट आई ऑलवेज वेरी स्टार्व्ड फॉर अ फादर फिगर. अच्छा, ये मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई कि इट वॉज लाइक दैट होल डैडी यू नो सिम थिंग दैट कि आई ऑलवेज लुक फॉर अ फादर फिगर. तो आई मैरिड यंग, आई हैड चिल्ड्रन यंग, आई वेंट बैक टू स्कूल आफ्टर मैरिज एंड चिल्ड्रन, एंड आई यू नो आई हैव डन अ लॉट ऑफ कैच अप इन माई लाइफ बिकॉज आई रियलाइज कि ओ हैंग ऑन अ मिनट, आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ यू नो चाइल्ड हुड ट्रामा और इमोशनल नीड्स, बट आई हैव अंडरस्टूड इट, सो नाउ आई नीड टू फिक्स इट. अच्छा, आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त आप अपने कोई भी चीज़ ठीक कर सकते हैं. हम जो टाइम फ्रेम लगाते हैं ना, वो भी हमारे हाथ में होता है कि जी इस उम्र पे आपने ये करना है, इस उम्र पे ये करना है, इस उम्र पे क्या. इफ़ अगर जवानी में आपने कोई गलती की अपनी ज़िंदगी में, या आपने कोई चीज़ अपना आधा छोड़ दिया, कुछ कर दिया, पूरी ज़िंदगी पड़ी फिक्स इट. ट्रू, यू नो आई मीन Nobody's putting a timeline to my life. रोने के बजाय आगे मूव करें, खुद अपनी खुशियाँ ढूंढें. एंड ऑल्सो राबिया, आई फाइंड इफ यू आर प्रोडक्टिव एंड यू आर पॉजिटिव ना, आपको अच्छे लोग भी बड़े मिलते हैं. इन माई लाइफ आई वॉज ऑलवेज वेरी हार्ड वर्किंग, आई हैव बीन यू नो कि मेहनत एंड इंटरेस्टेड इन वॉट आई डू. फैबुलस पीपल आई मेट इन माई लाइफ हू हेल्प्ड एंड गाइडेड एंड यू नो बीन देयर. मुझे बताएं, पहली शादी के बाद सेकेंड और फिर थर्ड, आप हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग थी या हालात ने आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया? आई मीन आई सी अतीका, जिनको कुछ कोई चीज़ मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, और जब आप किसी चीज़ पे लगती हैं तो आप करके रहती हैं माशाल्लाह से. तो ये ओवर द टाइम हुआ दैट या शुरू से आप इतनी? सो आई टेल यू, आई ऑलवेज फेल्ट अ डबल बर्डन इन माई लाइफ. एक ये जिम्मेदारी कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, एक वो जिम्मेदारी है. और फिर जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी आती है कि आप रोल मॉडलिंग या परसेप्शन क्या दे रहे हैं दुनिया को. क्योंकि हमारे मुल्क में लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, औरतों में बड़ी मेहनत की है तरक्की हासिल करने के लिए, और अभी भी कर रही हैं. बिल्कुल. तो मेरे बड़े मुश्किल वक्त में भी मेरे जहन में जो वन थिंग दैट वाज लाइक माय लेट्स से एन एंटी डिप्रेसेंट वाज द थॉट, वो जो सोच थी मेरी कि नहीं यार, अच्छा ठीक है, मैं ये मुश्किल वक्त से गुजरूंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन जो इतनी सारी आगे लड़कियां आएंगी, मेरी अपनी बच्चियां हैं उसमें, दो बेटियां हैं, तो उनको तो कोई बोल, दे शुड बी एबल टू सी के ऐसा वूमन सर्वाइव्ड ना. बिल्कुल. तो अगर तो वो देखेंगी कि देखें एक आई थी और उसके साथ ये हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ कर गई है, तो शायद आप किसी को इनक्रेज कर लेंगे या कोई और बच्ची की ज़िंदगी बदल जाए. यू नो, सो वेन यू कीप दैट इन माइंड, आप इफ़ यू कीप इट इन माइंड कि जी आपने लोगों के लिए भी करना है, बिकॉज पब्लिक फिगर की ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं होती. सही बात है. आई एम नॉट सिटिंग हियर एज जस्ट मी, आई एम सिटिंग हियर समबडी हु, आप पूरी दुनिया देखती मेरे काम को. तो आई एम स्पेसिफिक लड़कियों के, मैं इसलिए बात कर रही हूँ, लड़कियों को ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बट ओवरऑल यंग पीपल, जो जवान लोग हैं ना, उनके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं एंड दे नीड टू लुक एट द एल्डर्स एंड से हे दे हैव डन इट. अभी जैसे हम एक्ट, UPA, ये सारे हम एसोसिएशन में जो काम कर रहे हैं, मैं बार बार सबको यही कहती हूँ, देखें हमसे पहले किसी ने नहीं किया, हमारे लिए किसी ने नहीं किया, लेकिन अगर हम कर जाएँ शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ जाए इन अ लाइफ टाइम. अगर नहीं तो जो आगे आ रहे हैं ना, वो उन बेचारों के लिए एटलीस्ट दे थैंक अस. सही बात. वो शायद शुक्रिया कर लें, शायद हम एक बेहतर माहौल छोड़ के चले जाएं कि जी एथिक्स बेहतर हो जाएं, आपके वर्क एथिक्स, आपके डिसिप्लिन बेहतर हो जाए, आपका कंटेंट बेहतर हो जाए. वो हम लोग जब तक खुद नहीं मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा ना. हमारे यहाँ सोसाइटी में डाइवोर्स को इतना लुक डाउन करते हैं और सेकेंड मैरिज को भी बहुत लड़कियाँ डरती हैं. एक आई थिंक इमोशनल ट्रॉमा भी होता है जब आप इस चीज़ से गुजर चुके हों तो फिर आप दोबारा वो रिस्क लेने से, क्योंकि डाइवोर्स जैसे भी है वो बड़ी ट्रॉमेटिक होती है. मैंने आपके इंटरव्यू में ही सुना था, अभी तीन चीज़ें जिंदगी में मुश्किल हैं, डेथ, डाइवोर्स एंड देन देयर वाज वन मोर थिंग दैट यू सेड, मूविंग. या सो तो जब आप सेकेंड और थर्ड टाइम जब, तो कितना डर लग रहा था, उसे कैसे काउंटर करती थी? और अगर कोई इस वक्त लड़की या खातून सुन रही हों जो इसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ और सोच रही हूँ, डर लग रहा हो किसी नई रिलेशनशिप में जाने से क्योंकि पुराना एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह हैंडल करें अपने फियर्स को, किस तरह डील करें इस चीज़ से? तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो आपको उधर होना नहीं चाहिए.
चाहे कितनी भी आपकी मजबूरी हो, ये अगर अल्लाह मियाँ ने आपको हाथ पैर दिए और आपके अकल है, आप तालीम याफ्ता हैं, कुछ भी आप अगर झाड़ू भी मार के कमा सकते हैं, विच इज़ देयर डिग्निटी इन लेबर ऑलवेज, इट्स बेटर देन बीइंग इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप. बिकॉज अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी, आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है. तो प्रायोरिटी आपकी क्या है? बहुत लोग हैं कि जी अच्छा चलें जी, कभी कभार मार पिट जाती है या इमोशनल अब्यूज है जो भी, लेकिन चलें सोसाइटी को हम खुश रख रहे हैं, या मेरे बच्चे स्टेबल हैं, या मेरा घर ठीक चल, बट दैट्स आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस. हो ही नहीं सकता कि एक घर और एक ख़ानदान नॉर्मल और स्टेबल हो अगर देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज इन दैट होम. तो आई फील कि इट्स बेटर टू गेट आउट. अच्छा, फाइंड अ वे टू गेट आउट. इफ़ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, आई हैड अ सपोर्टिव फैमिली, आई हैव माई चिल्ड्रन हैव बीन माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. बहुत से लोग कहते हैं बच्चे नहीं कर सकते, मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थे, दे स्टूड बाई मी थ्रू एवरी थिंग ऑलवेज. तो मैंने पाला, करीब रख के पाला, तो मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े रहे. तो माँ के लिए तो सबसे अहम चीज़ बच्चे होते हैं पहले, यू नो, यू द आई थिंक द ग्रेटेस्ट पेन अ वुमन कैन गो थ्रू इज इफ हर चिल्ड्रन आर नॉट हर्स. सो अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप यू आर कीपिंग दैम इंटैक्ट, माई बिगेस्ट थिंग वॉज टू कीप माई सेल्फ एंड माई चिल्ड्रन सेफ ऑलवेज. एवरीथिंग एल्स इज़ इरेलेवेंट. सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं आपकी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि सोसाइटी आपके ना बच्चे पालती है, ना घर चलाती है, ना आपको बचाने आती है जब कोई मार पड़ रही है या आपको कोई कुछ कर रहा है. आई मीन यू नो, नो बडी कम्स टू योर डोर. हु आर यू प्लीजिंग? वे वॉट सॉर्ट ऑफ सोशल टैबू और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस सोसाइटी इज़ नॉट वर्थ इट. द ओनली थिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन, and if there are children involved, your children's health and safety. Everything else is secondary. And I was very clear from day one that I have the right to live a comfortable, happy life. And I want my children to grow up seeing an environment where even if we struggle, even if we work, even if whatever it is, but to see a stable, normal existence, not a toxic situation. बच्चों को जब आप एक टॉक्सिक माहौल में पालते हैं ना, तो बच्चों के और इमोशनल एलिमेंट्स इश्यूज बहुत होते हैं. सही बात है. सो आई वुड से एज अ वर्किंग मदर, मेरे बच्चों ने, जैसे आपको मैंने अभी इंटरव्यू से पहले बता रही थी, बड़ी बेटी मेरी प्रोड्यूसर है, बेटा मेरा साउंड डिज़ाइन करता है, छोटी मेरी आर्ट स्कूल में पढ़ रही. तो दे ऑल गॉन इन टू द फील्ड एंड बिहाइंड द कैमरा. आई थिंक आई कुड परहैप्स टेक सम क्रेडिट इन द फैक्ट दैट दे सॉ अ वर्किंग मदर एंड सक्सीड. सो उनको इनकरेजमेंट हुई कि यार हमारी माँ, चाहे वो उसको समझते हैं कि नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली एंड सबकॉन्शियसली ना वो एलिमेंट मोबिलाइज करता है बच्चों को. इट काइंड ऑफ प्लेज ऑन चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स एंड स्टफ. सो आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग बेटर इन लाइफ. एंड ऑल्सो पता है राबिया, एक तो जो माँ बाप वालदेन जो कहते हैं ना बच्चों को, नहीं छोड़ना, नहीं ये नहीं करना. आई एम वेरी क्लियर, यू मस्ट ऑलवेज अलाउ योर चिल्ड्रन टू लिव देयर लाइफ. देखिए माँ बाप वालदेन भी ना एक नाइंसाफी करते हैं जब वो कहते हैं आप हमारी ज़िंदगी जिए, हम चाहते हैं आप यहाँ पढ़ें, हम चाहते हैं आप इससे शादी करें. इट्स नॉट माई लाइफ, माई चिल्ड्रंस लाइफ इज़ नॉट माई लाइफ. एज अ पेरेंट आई कैन ओनली सपोर्ट देम वेयर दे फाइंड देमसेल्व्स. And that's it. So yes, supportive children, mother, sisters, friends, colleagues. फिर मैं टी वी में, जब मैं इस मीडियम में आई, तो जितने भी मेरे यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे कॉलीग्स, आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी नेगेटिविटी या आप फेलियर कह लें, मैं एक्सपीरियंस कहती हूँ, वेरी लिटिल कंपेयर टू सक्सेस इन माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी ढकी छुपी है नहीं, आप स्क्रीन पर देखती हैं. सो अब सक्सेस का रेशियो देखो कि शायद एक जगह अल्लाह मियाँ ने इम्तिहान लिया, दूसरी जगह अल्लाह मियाँ ने मुझे सिला भी बहुत दिया उस इम्तिहान का, एंड आई एम ओके. सो नेवर टू आंसर योर थिंग, कभी भी ज़िंदगी में आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें. दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम वी गिव इन. लेकिन जब आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी थी, डर लग रहा होगा? नहीं, डर तो देखे या खौफ होगा या थोड़े डाउट्स होंगे, उनको कैसे काउंटर करती थी?
हम बोले कि आप बहुत ब्रेव हैं. नहीं, ब्रेव नहीं, आई थिंक स्ट्रांग हैं आप. नहीं, तो शुक्र अल्लाह का इन एक्सपीरियंसेस की वजह से आई हैव बिकम वेरी टफ, बट नॉट लाइक आई हैवंट लॉस्ट माई कंपैशन इन लाइफ ना, और माई रोमांस. सो व्हेन आई वांटेड टू गिव मैरिज अ थर्ड चांस, तो मेरी फैमिली में था, ओ माई गॉड, दो तो नहीं चली, तो आप यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आई सेड, लुक, यू नो, आई स्टिल बिलीव in the institute of marriage. I believe that there's it has its value. Of course. Also, if I'm I want my children to be in a situation where they're not discouraged from the whole idea of marriage. Plus, then if I love somebody, you know, like my marriages were not arranged, I kind of, you know, the romances happened. So if I'm actually in a romance and I care for a person, what's important? How a person is making me feel and how I'm feeling in that relationship more than people's opinions. So I think लोगों को हम इतना वो दे देते हैं. मैं अपने काम की हद तक लोगों को पूरी लिबर्टी देती हूँ. आपने मुझे जज करना है, आप मेरे कैरेक्टर्स पे, ड्रामा पे, हर चीज़ पे करें, बोलें कितना बकवास रोल किया है आपने, यू नो, बिकॉज इट्स योर राइट. बट ऑन माई पर्सनल फ्रंट इन माई लाइफ, दैट इज माई लाइफ, आई हैव कंट्रोल ओवर माई लाइफ, नॉट पब्लिक. और मुझे लगता है आपने होप भी कितनी दी होगी आसपास सबको कि भाई एक पॉइंट पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. देर इज़ ऑलवेज अ सेकंड चांस, यू नो. एंड मुझे, मैं तो इसी बात से बड़ी इंस्पायर हूँ. मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत सी लड़कियों के लिए जो मे बी गिव अप कर चुकी हैं, होप लूज कर. नहीं नहीं, देखिए, आप ना जो आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं ज़िंदगी में, उनको आप मौका दें. बट यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि जब मेरा पहला, जब मुझे एक व्हेन आई वेंट थ्रू अ ब्रोकन मैरिज, तो मैंने उस वक्त ये चीज़ तो देख ली और फैसला कर लिया कि मैं काम कभी नहीं छोड़ूंगी. क्योंकि जब औरत फाइनेंशियली एम्पावर हो जाती है ना, तो उसके साथ बहुत पावर आता है, लाइक ओवरऑल पावर, सोशली एंड इन अ मैरिज, होम और अंदर बहुत आता है. यानी कि मैं अगर एक रिश्ते में हूँ ना, तो मैं आउट ऑफ चॉइस हूँ. ये नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत है. True. उस शख्स को भी पता है, मुझे भी पता है, तो आप उधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. हाँ, बिकॉज यू सी द पर्सन नोज, इवन द पर्सन यू आर इन अ मैरिज विद अंडरस्टैंड्स दैट यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस. अक्सर ये होता है कि लड़कियां कहती हैं हम शादी कर रहे हैं बिकॉज फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं. अब ना वो आगे का बंदे को भी समझ आ गई है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. ट्रू, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट एट अ यंग एज विद स्मॉल चिल्ड्रन, वट एवर आई नीड टू डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई विल work and build a name and a bank balance so that whatever other choices I make in my life are basically from the heart, not the pocket. So there's a big difference there also. सही बात है. अच्छा, third time romance कैसा होता है? वही young feeling होती है? Is it exciting? I think romance is romance. या mature हो जाता है? नहीं, तो आई थिंक आप डेफिनेटली, एक फ़र्क तो आता है. आप ज़्यादा अपने एक मेच्योर स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं. बट रोमांस तो रोमांस ही होता है, उसकी एज नहीं होती. आप चाहे 100 साल के भी हो जाएं, आप रोमांस कर रहे हैं तो अच्छा. एंड रोमांस इज नॉट, डजंट हैव टू बी बिटवीन टू पीपल ना. यू कुड बी इन लव विद एनीथिंग. यू कुड बी इन लव विद योर पेट और योर होम और योर. रोमांस इज अ वर्ड दैट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट पीपल ना. यू कैन रोमांस विद म्यूजिक और लव फॉर समथिंग, राइट? सो एज यू गेट ओल्डर, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं. क्या चेंज लगता है आपको जो फर्स्ट टाइम जब आपको मोहब्बत हुई थी और जब थर्ड टाइम हुई? नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत ही थी. आई थिंक आई एम क्वाइट, दिल धड़क रहा होता है. मे बी आई एम वेरी लकी कि मैं 3 दफ़ा मुझे ज़िंदगी में मौका मिला मोहब्बत करने का. लेकिन बट ऑफकोर्स आई मीन अदरवाइज कोई और वजह नहीं थी ना मेरे लिए. I didn't need to go into those relationships. Of course, third time आपने खुद propose किया था. हाँ. वो हमें कहानी सुननी है. So वो तो I think सबको पता है कि basically मुझे नहीं मालूम. Summer was like, you know, sort of there, and I just felt कि you know, I'm very clear, and he seems very clear. तो वो थोड़ा shock में लगे थे जब आपने conversation start की? नहीं, no, थोड़ा सा I think उनको वो कुछ सेकंड का जो झटका लगा, क्योंकि वो मैं उनको कॉफ़ी पिलाने ले गई थी. मैं कहा आप कॉफ़ी पिए, मैंने आपसे बात करनी है. सॉरी, आई कांट स्टॉप लाविंग लाइक मैं तो कॉफ़ी पीने आया. झटका, बिकॉज द थिंग इज दैट
I said, I need to talk to you and let's go for a coffee. And so he's like, literally, you know, he brought the coffee to the table and he was about, and I said, I think we should get married. I think for a flash second or so, he probably thought I'm mazaak kar rahi hu, you know, ki. But I said, look, I mean, hum is stage pe apni zindagi ke wo bachpana aur wo ye nahi hai. Acha, I'm not the type who likes to party and I've never been that kind of person. I like a sense of stability in my life. तो मैं कहा देखें आपके बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ इंप्रेशन आर वी गिविंग द किड्स एंड द चिल्ड्रन आर द मोस्ट बिगेस्ट प्रायोरिटी. ही टुक अ फ्यू सेकंड्स एंड ही सेड यस. शुरू में तो हमने सोचा इस उम्र पे आके करेंगे, नवासे नवासियाँ पैदा हो गई हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, यू नो, ग्रैंड चिल्ड्रन अराउंड. सो वी थॉट ओके लेट्स जस्ट यू नो हैव अ निकाह एंड देन जस्ट हैव अ डिनर एंड ऑल. देन यू नो राबिया निकाह वॉज चिल्ड्रन नेफ्यूज नीसेस ग्रैंड चिल्ड्रन. Because everybody insisted, no, so you can't do this. Sorry, आप शादी कर रहे हैं, हम सब होंगे शादी पे. So we just literally at his sister's house had just the immediate family, his kids, my kids, and we, my a very dear family friend who is like a father figure to me, Humayun Gaur साहब, Manize Gaur, they flew in. हम तो आ रहे हैं एंड हमने मौलवी साहब को एक तरफ बिठा दिया और हुमायूं साहब बैठ के उधर मेरा निकाह पढ़ रहे हैं, मेरा नवासा मेरी गोद में, नेफ्यूज नीसे सामने बैठे हैं सारे. So सब ऐसे घी घी दे ऑल गिगलिंग वॉचिंग के खाला है और व्हाटएवर यू नो मैरियंग फॉर अ थर्ड टाइम. इट वाज क्वाइट फनी एंड आई थॉट दिस हैज टू गो डाउन इन समबडीज हिस्ट्री. ये सब बातें नहीं पता. एंड आई हैव अ पिक्चर आबे, मेरी एक तस्वीर है. चाहिए वो पिक्चर? नहीं, मैं आपको इसकी मैं आपको एक ट्रेजेडी सुनाती हूँ. तो मेरी एक तस्वीर है कि मैं बैठी हूँ निकाह पे, मेरा नवासा हुसैन मेरी गोद में बैठा हुआ है और माई डॉटर, मेरी जो बेटी है ना जिसके दो बच्चे हैं, शी सेज कि माई चिल्ड्रन आर यंग, जब बड़े हो जाएंगे और when they can choose to show themselves, okay. अभी छोटे हैं, तो we keep them off public media totally. Otherwise, मैं तो मैंने कहा please ये तस्वीर इतनी के इतना symbolic के नानी की शादी. So I said, cannot be beautiful if you can show like the grandchild is in the lap and how many women would get inspired by this, right? She's like, Ammi, not now. He's too young. सही बात है. And when he's older and he allows it, you can show the picture. तो हमें that's very fair. सबसे पहले हमें मिलेगी. सबसे पहले. हुसैन थोड़ा बड़ा हो जाए. हाँ. तो जैसे होगा मैं कहूँगी हुसैन आप राबिया से बात करो. बिल्कुल. If he says, yeah, it's cool, you can use the picture, you'll be the first to get it. I'm sure Hussain would love it. Yeah. So he's very chilled. Hussain is very chilled, but yeah, कि the mother has a point. They're minors, and they're too young to make these choices. And हमने, you know, unlike other people जो अपने babies को भी उछाल रहे हैं और we decided कि हम अपने बच्चों को ना ऐसे expose नहीं करना चाह रहे क्योंकि शायद आगे जाके they don't want it. बिल्कुल सही बात है. We completely respected में तो yeah. I mean I'd love to, but I think the mother has a point. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं 100% complete. But इतने मजे की कहानी आपने. But I shared the story with you. I love it. मुझे तो इतना सुन के मजा आ रहा है. We need to share such stories, bhai. I mean, can you imagine नानी से शादी कर रहे हो? कितना मतलब शादी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो गया लेकिन सर पे तलवार लटकी कि लोग क्या कहेंगे. It doesn't matter. You know, कि कितनी ये लोग क्या कहेंगे वाले चक्कर में तो हम मारे जाते हैं. अगर मैं लोग क्या कहेंगे पे फंसी होती तो मैं पता नहीं कहाँ अभी भी बैठी होती विद नथिंग टू से फॉर माई सेल्फ फॉर माई लाइफ फॉर माई चिल्ड्रन. सो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस होल सोशल शैकल्स आई कॉल देम. ये जो शैकल्स होते हैं इनको आप तोड़े हैं. एज अ सिंगल मदर जब आप काम भी कर रही थी और मतलब बच्चे भी छोटे एंड काफ़ी आप मतलब बहुत बिजी रही हैं और मतलब आपने ड्रामा किया उसके विद इन 3 years आप फिल्म में चली हैं. फिल्म कितना क्या चैलेंज था आपका राबिया? अच्छा, एक तो मैं पाकिस्तान की एक मैं बहुत बड़ी तारीफ करूँ इस ऑडियंस की. आपको पता है बहुत से ऐसे मुल्क हैं स्पेशली लाइक व्हेन यू लुक एट इंडिया बॉलीवुड एंड ऑल, लड़की की शादी हो जाती है उसका वो यानी कि ग्राफ गिर जाता है. अब तो इट्स चेंजिंग. But in the days when I went into television and film as a leading lady, I already had 2 kids and a divorce. To give Pakistani audience credit, they didn't care. They were like, we don't care. Unko to parwah hi nahi thi ki bacche bhi hain, shaadishuda thi. They just saw my face, they saw my work, aur mujhe apne us pe merit pe unhone accept kiya. तो इतने बहुत बड़ा एक वो है. आप कंजर्वेटिव कहते हैं हमें ना, वी आर नॉट एज कंजर्वेटिव एज सपोजिटली वेरी enlightened nations. We've been a very very giving enlightened open-minded society. We hum apne audience ko undervalue karte hain hamesha.
सो मेरे बच्चे थे सेट्स पे पले, मैं शूट पे जाती थी, माई किड्स यूज टू बी देयर, आई हैव पिक्चर्स ऑफ माई चिल्ड्रन ऑन नुमा निजाज पिगी बैकिंग यू नो ऑन निजाद सेट, सायरा काजमी व्हेन उनिया माई एल्डर डॉटर सिटिंग ऑन द स्विचर फॉर निजाद. तो बच्चों से कभी कुछ नहीं छुपाया, दे ऑलवेज न्यू कि मम ये कर रही है, दे वर विद मी एट वर्क, दे ग्रू अप इन अ वेरी हेल्थी एनवायरमेंट. उनकी वजह से आई थिंक मेरी जिंदगी भी ट्रैक में रही, बिकॉज माहौल चेंज हो जाता है आपका पूरा, और लोग भी बड़े अच्छे अच्छे मिले. सो देयर वाज नेवर एन इशू. इट रियली डिपेंड्स ऑन आप एक चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं. अगर आप गलत काम करेंगे, ढका छुपा ये वो फलां फलूं, आप अपना ही मैस क्रिएट कर रहे हैं ना. और आप सही कह रही हैं, पॉजिटिव चीज़ों की और पॉजिटिव लोगों की कमी नहीं है. अगर आप एक दफ़ा हिम्मत करें तो मिल जाते हैं, चीज़ें होती रहती हैं. अच्छा, पहली बार कोई फैन रिएक्शन हुआ जब लोगों ने पहचानना शुरू किया, कोई किस्सा सुना सकती हैं? ओह फल्ला, माय मोस्ट फ्राइटनिंग किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ. तो मैं सितारा मेहरुन्निसा की रिकॉर्डिंग करके चली गई गवादर, जहाँ पे 2 महीने मैं दश्त शूट कर रही थी. यहाँ पे सितारा मेरे से चढ़ गया, मैं ओवरनाइट एक सेंसेशन बन गई. कुछ पता भी नहीं था वहाँ पे, ना फ़ोन था ना अखबार आता था, कुछ नहीं. एक PI पायलट ने कुछ अरसे बाद इतनी थदी अखबारात की लेके ना, वो उन्होंने हमें एक कोस्ट गार्ड हाउस था उधर, सिर्फ देर वॉज नथिंग इन गवादर इन दोज डेज. तो ये PI पायलट फाउंड मी एंड ब्रॉट अ थदी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सेड, मैडम वेयर आर यू हाइडिंग? So I said, I'm shooting, I'm here. He says, you have no idea what you've done. So I said, no, I have no idea what's happening. And I was really had no idea. Because उस ज़माने में mobile phone शोन नहीं होते थे. Of course, कहते हैं, please, here are the newspapers. And you need to come back to earth because people are looking for you. तो मैंने जब अखबार खोलने शुरू की, मेरी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, headlines, सितारा is found, सितारा is born, पता नहीं क्या. So cute. So that was nice. Then what happened was that when the second last episode, when the third last episode of Sitara Mehrunnisa aired, तो यहाँ पर pressure बहुत बढ़ गया था अनवर साहब पर कि ये कहानी जो चल रही है, अगर रामिस और सितारा एक साथ नहीं इकट्ठे हुए एंड में ना, हम तो अनवर साहब ने किसी के थ्रू पैगाम भेजा कि आप प्लीज़ आएँ वापस, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड सीन री रिकॉर्ड करना है. क्योंकि अगर आप रामिस के साथ नहीं जाएंगी तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं बख्शेंगे. So I discussed with Abid Ali Sahab, who is the producer of Dasht, ki ji dekhen hamara bhi kaam hai, main aa jaungi lekin mujhe jaane dein, because Anwar sahab jo hai na, he is in a fix and does he needs to me there, because ye scene karna hai humne. To 3 din ke liye literally main jahaz baith ke wapas aa gayi Karachi. When I arrived at Karachi airport, Numan Ijaz, Ayub Khoso, myself, we 3 came together, wo bhi break le rahe the. To मैं अब बेल्ट पे खड़ी थी बैगेज के लिए, एंड आई कुड फील आईज, यू नो, लाइक जैसे कि घूर रहे हैं लोग. आई कुड फील, यू नो, एक होता है आपको, एक आदत नहीं थी कभी, वो होता नहीं था, या इतने लेवल पे नहीं होता था कि ऐसे पूरी कि एक बज. तो बाय द टाइम मेरा लगेज आया और हम गेट से बाहर वॉक करना शुरू किया ना फ्रॉम द एग्जिट, बाहर किसी ने खबर फैलाई कि सितारा आ गई है. ओके. So when I walked out of Karachi airport ka terminal, there was a hajoom of people, a lot of hype and excitement, and my sister had come to pick me. To Leila khadi thi ek faasle pe aise ki I'm here. Suddenly this mob moved towards me. And ek dam se kind of like a mob situation, and it was very frightening. Of course. So Numan ne aur Ayub ne dono ne ek bagal ke niche aise uthaya mujhe, and they pushed through the mob and rushed me to the car. Literally, gaadi aise aise, till the time I got to the car, gaadi aise hil rahi with the, because they were so excited. Lathi charge hui, police aa gayi. Excitement thi. It wasn't like, but they were so okay. This woman, I was in complete shock, because from not being known to suddenly being overnight. And Anwar sahab ne mujhe kaha tha ki dekho, jab ye chalega na, uske baad tumhari zindagi tumhari apni nahi rahegi. आज दिन तक राबिया, जब मैं कराची एयरपोर्ट लैंड करती हूँ, मुझे एक पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है. वो इसका एक ट्रॉमा, यू नो, इवन नाउ, ऑल्दो दे वर, इट वाज ऑल लव एंड फैन फॉलोइंग, बट आई हैड नेवर बीन मॉब्ड इन माय लाइफ. मुझे तो इतना, अभी भी मैं आती हूँ एयरपोर्ट पे, ऐसा मेरा मुंह बना होता है. मैं आजकल तो मास्क है ना, बट यू नो, आई कम विद दिस किड, डोंट कम नियर मी, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करें, नहीं, डोंट टॉक टू मी, यू नो, बिकॉज़ आई एम सो स्केयर्ड दैट मॉब हैज नॉट लेफ्ट माय माइंड. और शुक्र है आपके साथ वो लोग थे, आप अकेले नहीं थी, वरना तो आप, अदरवाइज देयर वाज, यू नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आई मीन, हनुमान एंड अयूब एक्चुअली गॉट मी आउट ऑफ दैट थिंग एंड पुट मी इनटू अ कार. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ सेलिब्रिटी, व्हिच वाज
स्केरी बट फिर वाओ एट द सेम टाइम वेरी वाओ बट यू नो देन देखें हमारे पास वो माहौल ही नहीं है कि आप गार्ड्स लेके फिरे या आप यू नो लाइक आपको अपने आप का अंदाजा भी तो नहीं था आपको अगर अंदाजा होता तो फिर भी शायद पब्लिक भी थोड़ी एजुकेटेड हो गई एजुकेटेड थोड़ी अवेयर थोड़ी तमीज़दार थोड़ी यू नो पब्लिक्स आल्सो रिलैक्स्ड अ बिट सो इट्स बेटर बट उसके बाद कोई और अच्छा वाला जिसमें आप डरे ये भी अच्छा था ऐसे बहुत हुए ऐसे बहुत हुए दश्त पे डू यू इमेजिन कि इतना ह्यूज हो जाएगा देखो आपकी और नुमान की जोड़ी इतनी हिट हो जाएगी बालाज और शहताज नाम रखने लगेंगे अपने बच्चों के यू नो राबिया इस काम में ये है कि मैं एक्टर्स को कहती हूँ कि आप इस काम करते रहें बिकॉज आपको कभी नहीं पता कि क्या चीज़ हिट हो जाएगी या क्या चीज़ मिस हो जाएगी यू हैव टू कीप वर्किंग आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि 80% ऑफ माई वर्क इज़ अ हिट इट्स अ ह्यूज नंबर एक्टर की जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो इतने अभी भी आपके सामने हैं आई मीन आई एम लाइक ओ माई गॉड ओके लाइक हमसफ़र हैपन्ड एंड आई थॉट कि हमसफ़र के बाद तो सब ने बात करनी छोड़ देनी इतनी वो वाइल औरत यू नो जालिम सास एंड ऑल लेकिन मुझे जो नज़र आया कि जो उस उम्र की जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी यही हुआ है हमारी भी बहुएं हमारे बेटों को लेके चली गई हैं आई लाइक ओ माय गॉड ओके सो आई फील एवरी कैरेक्टर हैड सम फॉलोइंग समवेयर यू नो इट वाज इट्स बीन क्वाइट अमेजिंग नुमान इजाज़ से आपके पहली मुलाकात दश्त के सेट पे ही हुई हाँ कैसे आप लोगों की दोस्ती हुई क्या पॉइंट था वैसे भी ओवर द टाइम बिकॉज यू टू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बड़े अच्छे दोस्त हैं आप लोग किस टाइम पे दोस्ती मतलब लगा कि हाँ ये तो दोस्त है मेरा आई थिंक नुमान एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ फैंटास्टिक फ्रेंडशिप हमेशा दश्त निजात खान अभी हमारी हमेशा एक बहुत ही एक आई मीन आई नुमान ने रिसेंटली मुझे बताया कि जब वो राबिया से शादी कर रहा था तो शुरू में राबिया को उसको बोलना पड़ा कि भाई अतीका मेरी दोस्त है ओके बिकॉज वी वर ऑलवेज एन इट कपल राइट देन आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल दैट ही इंट्रोड्यूस राबिया टू आई रिमेंबर मैं लाहौर में थी वहाँ किसी फंक्शन एक आई थी पी सी पे थी रह रही थी स्टेइंग एट द होटल ही सर मैं तुझे राबिया से मिलाना चाह रहा हूँ आई सर ब्रिंग एंड शी एंड आई गॉट ऑन वेरी वेल फ्रॉम डे वन और वो बिल्कुल ही वो एक जो उसके जहन में कोई भी अगर कुछ था आई डोंट थिंक था बिकॉज राबिया इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर वूमन तो नो इशू बट नुमान एंड आई हमारा ऑन स्क्रीन तो है ही है हमारे ओवरऑल एज फ्रेंड्स एज कॉलीग्स एक बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप हमेशा रही है शुक्र एंड मेरे बच्चे उनको नुमान चाचा कहते हैं यू नो लाइक माई चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ हिम आई हैव सीन नुमान गो थ्रू हिज अप्स एंड डाउन्स फिर मैं आई वुड से द सेम फॉर साजिद ऑल्सो साजिद एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स यू हैव सीन इन लाइफ ये कुछ ही लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आ जाते हैं आपके दरवाजे पे यू नो सो वी इट्स अ टोटली डिफरेंट यानी कि खून का रिश्ता बेशक ना हो लेकिन एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है उन लोगों के साथ जो आपको दिल से चाहते हैं नुमान जी इसके बारे में कोई मज़े का वाक्य सुनाए उनका और आपका कोई दोस्ती का कोई छेड़छाड़ का कुछ नहीं आई थिंक नुमान के साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि बहुत लोग हमेशा ये चाहते थे कि नुमान एंड आई शुड बिकम अ कपल यू नो उनका एक ख्वाहिश थी बिकॉज स्क्रीन पे तो आई थिंक ओवरऑल पीपल वर वेरी के यू नो विल दे नॉट विल दे एंड अप टुगेदर आजकल तो यू नो दिस कपल्स आर मैरिंग अ लॉट राइट बट इवेंचुअली ओवर टाइम पीपल रियलाइज के दोस्त हैं तो ही इज़ अ वेरी फनी पर्सन नुमान के साथ काम करना बड़ा मज़ा आता है सेट पे बहुत हंसता रहता है हंसाता रहता है ही इज़ अ वंडरफुल कॉलीग टू वर्क विद ही इज़ नेवर हैवी कुछ लोग होते हैं ना आपको यार आज सेट पे जाना है वो दिमाग खाएंगे यू नो ही इज़ यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन सेट विद नुमान देयर बिकॉज एटलीस्ट मेरे साथ हमारा हंसी मजाक चलता रहता है दुख दर्द बांट लेते हैं यू नो दिल हल्का हो जाता है दश्त के सेट से कोई कहानी सुना सकती हैं जब आप लोग शूट कर रहे थे कोई वाकया हुआ हाँ तो दश्त पे ये हुआ था कि जब मैं वहाँ क्योंकि कुछ करने को नहीं होता था तो मैं अपना वो उस जमाने में वॉकमैन होता था ना वॉकमैन लगा के सुबह सुबह वहाँ बीच था ना सामने कोस्ट गार्ड के उसमें रेस्ट हाउस में रह रहे थे सारे यूनिट पूरा तो मैं सुबह सुबह वॉक करने निकल जाती थी तो फिर तीन चार दिन वॉक किया चौथे या पाँचवें दिन आबिद अली साहब ने मुझे बुलाया कि आप वॉक ना करें मैंने कहा आबिद वाई क्यों तो कहते हैं वो एक्चुअली हमें फ़ोन आया है कि जी ये आपकी जो ये खातून है बिकॉज इट इज़ अ कंजर्वेटिव एक्चुअली इन दोज डेज ग्वादर वॉज लाइक अ हब फॉर स्मगलिंग ना तो ये ओमान उन जगहों से सारे स्मगलिंग गुड्स आते थे ना तो वहाँ पे वो काफ़ी यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत थी तो ये सर आप वॉक ना करें फ़ोन आया कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो ये लड़की चल रही है बीच पे ना इसको उठा के ले जाए बिकॉज दे डिडंट लेट द वुमन आउट यू नो छोटे छोटे मड हाउसेज में इनकी औरतें बंद रहती थी
तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे पास तो और कुछ करने को है नहीं, या आपने मुझे कोस्ट गार्ड के एक वो कमरे में रखा हुआ है, शूट पे हम जाते हैं वापस आते हैं कुछ, यानी कि देयर वाज नथिंग इन दोज डेज, गवादर वाज जस्ट सैंड सी सन एंड दैट्स इट. ऐसे मैं तो वॉक करना नहीं छोड़ूंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं अपना वॉक करती हूँ, मेरे आई नीड एक्सरसाइज, आई नीड टू यू नो. नहीं देखे ना बड़ा मुझ तो. देन आई टोल्ड मोहसिन एंड अयूब एंड नुमान, आई सेड ये देखें ये क्या कह रहे हैं कि मैं वॉक नहीं कर सकती. तो दे सेड कोई हम साथ वॉक क्या करेंगे तुम्हारे. सो आफ्टर दैट डे फोर ऑफ अस यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू द बीच एंड वॉक एवरी मॉर्निंग. सो दैट वाज वेरी क्यूट. अच्छा मुझे बताएं अतीका, आप इतनी अरसे से माशाल्लाह से काम कर रही हैं, हमारी इंडस्ट्री में औरतों का रोल कैसे चेंज हुआ है, उनका इम्पैक्ट कैसे चेंज हुआ है, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है क्या, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या ज़्यादा हो गई हैं फीमेल एक्ट्रेसेस से, और हैज़ द चेंज और द एवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ वुमेन फीमेल एक्ट्रेसेस हमारी इंडस्ट्री में बीन गुड फॉर गुड और फॉर बैड. देखिए अच्छा बुरा तो सब जगह होता है, बट आई थिंक ओवरऑल खवातीन के लिए इट्स बिकम अ लॉट मोर यूजर फ्रेंडली. Okay. It's become a lot more professional because it's really a business now. So, you know, there's more money involved. So, girls are making good money. हम अक्सर सोचते हैं कि इस industry में शायद exploitation है या जो है. That happens everywhere in the world, in every industry. Somewhere more, somewhere less. As far as the arts are concerned or the entertainment industry is concerned, I think that girls are getting more opportunity to earn a living. Okay. How they handle it and manage themselves is up to them. देखिए आपके साथ अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ज्यादती कोई करता है तो don't put yourself in that position. You know, you're smart enough not to be in a place or in a situation where you feel, अच्छा अगर फिर भी करता है then do something about it. Like as a young working woman, मेरे जहन में तो हमेशा बहुत clear था कि अगर कोई कुछ करेगा तो मैं तो शेरनी की तरह लड़ूंगी, लेकिन अक्सर मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उस माहौल ही से दूर रहूं, वेयर आई कैन बी एक्सप्लॉइटेड और आई कैन जस्ट स्टे अवे, एंड बिकॉज आई हैड चिल्ड्रन ना, बच्चे थे मेरे, तो मैं काम पे जाके फिर घर आ जाती थी. आई वॉजन्ट गोइंग टू आफ्टर पार्टीज, आई वॉजन्ट गोइंग टू प्लेसेज वेयर एनी बडी कुड हैव मे बी मिसबिहेव्ड, एंड सो आई काइंड ऑफ डॉज्ड मे बी दोज प्रॉब्लम्स. आई नो कि हैं लड़कियाँ और लोग जो कहते हैं कि उनके साथ हैं इशूज़ हुए हैं, बट अगेन देन दे मस्ट टेक इट ऑन, दे मस्ट फाइट द गुड फाइट, बिकॉज वो बाकी लड़कियों के लिए बेहतर हो जाएगा फिर ना. आप प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन के साथ भी रही हैं, आप डिफरेंट रोल्स में भी रही हैं इंडस्ट्री में, अभी आप एक्ट के साथ भी हैं. अभी एक रिसेंट आर्टिकल में आपने बात की थी अबाउट कि रॉयल्टीज़ का तो एक इशू चल ही रहा है जिस पर काम होने की कोशिश हो रही है, लेकिन पे स्केल के बारे में भी आपने थोड़ा सा टच किया था कि जो एक्टर्स हैं यू नो उनके पे स्केल्स पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और दे आर एट द लोएस्ट ऑफ द फूड चेन. ये स्पेसिफिकली आपके जुमले थे. तो कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है इंडस्ट्री में कि किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, क्या इनइक्वालिटीज़ हैं इस वक्त जिससे आपको लगता है कि कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं? व्हाट एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आप देखती हैं जिस पे काम किया जा सकता है? आई थिंक राबिया अभी हमारे जो जिस फेज़ में हम हैं ना, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, अभी क्योंकि ये एसोसिएशंस बन रही हैं और हम साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो जो क्रिएटिव्स हैं ना वो उनके ना अभी दे वेरी मार्जिनलाइज्ड, उनको ना वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट मनी. सो आप अभी आप एक्टर्स की बात नहीं कर रही? मैं सबकी मैं राइटर से लेके टेक्नीशियन तक की बात कर रही हूँ. ठीक है, दे आर ऑल मार्जिनलाइज्ड. दे आर ऑल क्रिएटिव्स. ओके, मार्जिनलाइज्ड इन टू प्लेसेस. वन इज दैट समबडी एल्स इज डिक्टेटिंग व्हाट दे आर गोइंग टू गेट और नॉट गेट, नॉट जस्ट इन मॉनेटरी सॉर्ट ऑफ वेज बट ऑल्सो कॉन्टेंट. जैसे अभी आपके पास स्क्रिप्ट पूरी नहीं आ रही, आधी स्क्रिप्ट आती है, काम शुरू कर दें, पता नहीं आगे क्या होना है. सो प्रोड्यूसर के हाथ में भी कुछ नहीं है, डायरेक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं है, एक्टर वैसे ही सफ़र कर रहा है. सो आई थिंक कंटेंट आल्सो इज सफरिंग, बिकॉज इट कुड बिकम मच बेटर इफ वी हैड प्रॉपर प्रोसीजर्स इन प्लेस. तो अभी जो क्रिएटिव्स हैं हम सारे बात कर रहे हैं कि जी हम ऐसी चीज़ें करें जो हमारे सर्टन डिमांड्स हों, कि हमारा काम एक तरीके से होना चाहिए ताकि, क्योंकि हमारा नाम जाता है स्क्रीन. बिल्कुल. अब अगर आप मुझे कहती हैं कि 50 एपिसोड हैं और मैं आपको सिर्फ 25 के स्क्रिप्ट दे रही हूँ, बाकी 25 आप जहन में बना लें, सेट पर आ जाएंगे ना, हाउ एम आई सपोज टू डिवेलप अ कैरेक्टर विदाउट रीडिंग हाफ द स्क्रिप्ट? सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, एंड टू मी दैट इज़ अ मच बिगर प्रॉब्लम देन अदर थिंग्स, बिकॉज how am I supposed to make a schedule, how am I supposed to think about the arc of the character, you know, start middle, end hota hai na hamara.
तो जब एंड होता है ना, एक कंक्लूजन होती है कैरेक्टर की, आप शुरू में कहते हैं कि अच्छा यहाँ से शुरू करके ना ऐसे ऐसे करके वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, अब मुझे पता ही नहीं कि राइटर क्या भेजेंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे द वर्क इज़ बीइंग handled on sets, and that needs to change. So we are very concerned about our craft or our writing or our performances because hamare naam jude hote hain iske sath. Aap jab dekhti hain to aap screen pe dekh rahi hain ye kiya kya usne. Suddenly 10th episode mein actor ne kuch ajeeb hi kuch, because actually the actor didn't get a script till the lekin iske halfway. Aapke liye producer bhi responsible nahi hai, to phir kaun responsible hai? The networks are right now channels controlling channels networks. They are holding producer, creatives, everybody hostage to their needs. कि टाइम भरना है, टाइम भरना है, ओहो स्लॉट ख़त्म, कोई मसला नहीं, चलें चलें. अच्छा कोविड के टाइम पे लोग जब बीमार भी हों और गैप्स आएँ, यू कॉन्ट डू, इट्स सो डेंजरस, बिकॉज अगर आप बैक टू बैक जाएंगे और लेट्स से कोई बीमार हो जाता है और दो तीन हफ्ते दो तीन महीने कोई, फिर आप रिपीट पे जाएंगे, आप क्या करेंगे? सो देयर इज अ लॉट ऑफ, एक रेस लगी हुई है रेटिंग एंड पैसे वाली चैनल्स के बीच. लेकिन हमारा जो एस्थेटिक्स है, हमारे जो जो यानी कि सब्सटेंस जो है ना, दैट इज़ एक्चुअली सफरिंग. फिर आप रॉयल्टीज़ पे आ जाएं. रॉयल्टीज़ का ये है कि पहले तो जब चैनल ओके करके प्रोड्यूसर को रॉयल्टी देगा, फिर डायरेक्टर एक्टर वो सब आएंगे ना. आई मीन आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन इन दैट लाइन एज एक्टर, इट्स द प्रोड्यूसर. इफ आई हैव प्रोड्यूस्ड समथिंग, सोल्ड इट टू द चैनल, दैट्स नाउ नेगोशिएशन विद द चैनल, दे हैव टू मेक विद मी, फिर मैं अपने क्रिएटिव्स को दूंगी. सो आर्ट किधर चला गया? आर्ट का ये कि कॉमर्स में ना अभी कॉमर्स उसको ना हावी हो गया है. आर्ट क्रिएटिविटी जो है ना वो हॉस्टेज है. तो वी वांट द आर्ट एंड द क्रिएटिव साइड ऑफ इट टू कम बैक इन व्यू. देखिए आप कुछ भी कर लेना जिंदगी, आप अच्छा काम करेंगे पैसा आपके पीछे भागेगा. ट्रू. इफ़ यू डोंट मेक अ गुड प्रोडक्ट और यू डोंट मेक अ गुड प्ले और यू डोंट मेक यू नो हाउ हार्ड यू वर्क टू मेक योर वीडियोज एंड स्टफ, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, you can't engage an audience. It doesn't matter how much money you're making, eventually you start losing a crowd, right? Same thing with the networks. They're getting into this very vicious cycle of competing with each other on bad content. बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, बुरा से. आपने वैसे बड़ी सही लाइन बताई है, बहुत अरसे बाद किसी ने बिल्कुल सही उसमें. Yeah, because I mean, गलत रेस है ना. गलत रेस. तो आप अब बोलती हैं कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट चाहिए. या अभी सो मेरे साथ ये है कि फंसे हुए सब लोग. नहीं अभी रिसेंटली इट्स गेटिंग वर्स. ओह इट्स गेटिंग वर्स. दो साल तक तो पूरी स्क्रिप्ट आ रही थी. प्यार के साथ के पूरी स्क्रिप्ट भी आई. यू नो ना एक साल मैंने छुट्टी मारी बिकॉज आई वाज स्केयर्ड टू गो टू द सेट्स बिकॉज ऑफ डिजीज. तो जब मैं वापस गई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ तो एक कुछ रेस ही कुछ और है. और जी आप अच्छा जी आप अभी 15 एपिसोड आ गए, आप पढ़ लें, हम आपको अगले हफ्ते बाकी भेज देंगे. And I'm thinking, okay, तो I have मेरी एक आदत है, I read, then I mark, फिर मैं देखती हूँ कि सीन्स में बोल क्या रही है, फिर कहाँ से कहाँ जा रही. फिर मैं कहती हूँ अच्छा स्क्रिप्ट बस आप शूट शुरू कर लें, सेट पे आ जाएंगे. आई नो बट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग ब्लाइंड टू शूट द सीन्स यू आस्किंग मी फॉर बिकॉज आई हैव नॉट सीन द एंड कंक्लूजन ऑफ दिस वुमन. और उसकी जर्नी क्या, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या. दैट्स द रियलिटी ऑफ ड्रामा टुडे. वाई मेकअप, क्यों स्टार्ट किया आपने मेकअप का ब्रांड? और आपको लगता है पाकिस्तान में आर पीपल रिसेप्टिव टुवर्ड्स लोकल ब्रांड मेकअप ब्रांड्स खरीदने के लिए? सो एंड फर्स्टली व्हाई मेकअप, आई से व्हाई नॉट. ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिजिनस प्रोडक्ट लोकल ब्रांड्स, जैसे आपके पास इतने माशाल्लाह डिजाइनर्स हैं, आपका ड्रामा इंडिजिनस है, तो हम बाकी चीज़ें क्यों नहीं खुद अपनी कर सकते? तो ये बहुत साल पहले मैंने फैसला कर लिया था कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट लाइक इन द वेस्ट दे डू ब्रांड्स होते हैं सेलिब्रिटीज़ के. लेकिन मैं इसके बजाय कि मैं इंतज़ार करूँ कोई बनाएगा और चलाएगा और मुझे इंडोर्समेंट के पैसे देगा, मैं ये एक पंगा ले लेती हूँ. राइट, इट्स अ वेरी बिग पंगा, इट्स बीन वेरी हार्ड वर्क, बट आई डन इट. एंड यू नो आई मीन माई मेकअप गोज टू स्मॉल टाउन्स, बिग टाउन्स, मेजर सिटीज. एंड जब वो ऑर्डर्स आते हैं ना छोटे छोटे शहरों से भी, इतनी खुशी होती है बिकॉज एक्चुअली आई एम रीचिंग अ गर्ल हु डजंट हैव अ शॉप और अ मॉल इन हर नेबरहुड. ट्रू. एंड एट अ रेट शी कैन अफोर्ड. तो बीइंग अ स्टाइलिस्ट इन यू नो फ्रॉम माई बैकग्राउंड, मैंने कहा कि वैनिटी जो है ना औरत का एक राइट होता है. That's interesting. Yeah. Vanity हमारा एक राइट है. तो यानी कि इतना कमाते हैं ये लोग उस राइट पे यार, दो नंबरी आप 2500-2500 की लिपस्टिक बेच रहे हैं दो नंबरी. सो आई सेड नो, आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज, वी नीड टू गिव अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, मोर अफोर्डेबल.
it should be able to get to girls who don't have access to these malls and these big stores and online. देखिए कोविड ने ये भी एक फायदा किया, ऑनलाइन बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया. So why not? And I'm very happy that every time my when they pack orders and I find out कि एक लिस्ट आती है ना कि इंडियन शहरों में जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है. ऐसी आई हैव सीन नेम्स ऑफ स्मॉल टाउन्स, कभी सुना नहीं ये कहाँ है. अच्छा पंजाब में ये कहाँ है, यू नो, लाइक आई हैव डिस्कवर्ड पाकिस्तान थ्रू दिस होल एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स अमेजिंग. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अतीका? Oh my God, I want to rest. Really, I don't think so. मुझे लगता है दो दिन बाद आप पूछेंगी मैं क्यों रेस्ट कर रही हूँ. जितना मैं आपको देख रही हूँ समझ रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता. नहीं, I am a very A type hyper personality, but you know, I am feeling now with this stage of my life a little exhausted. Okay. I do want to like take it a little easy. ये associations का थोड़ा सा हम अगर कर लें, माहौल ठीक कर लें, थोड़ी सी समझ आए कि यार पीपल आर वर्किंग टुगेदर, इसमें बहुत खुशी होती है इंसान को जब आपको पता है कि आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपका भी हिस्सा चला गया. सो दैट एक्साइट्स मी. देन ऑफ कोर्स आई वांट टू डू सम मोर गुड रोल्स दैट यू रिमेंबर एंड अदर्स रिमेंबर, बिकॉज एक्टिंग एज अ क्राफ्ट, इट्स माई थेरेपी, माई कथासिस, माई एवरीथिंग, आई लव इट. हैज़ हेल्प मी इन माई लाइफ नॉट जस्ट टू अर्न मनी बट ऑल्सो टू exercise a lot of my own difficulties out. आप कैमरा के सामने जाके हंस सकते हैं, रो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, सब माफ़ हो जाता है. अगर मैं कहीं जाके सड़क पर रोना शुरू कर दूँ या चीखना शुरू कर दूँ, कहीं ये पागल हो गई है, इसको क्या, यू नो, लाइक. सो एक्टिंग हैज़ बीन वेरी थेरेप्यूटिक ऑलवेज, एंड इट इज़ डिफिकल्ट, इट हैज़ बिकम मोर एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग, बट इट्स वॉट आई डू एंड आई लाइक टू डू मोर ऑफ इट टिल आई रिटायर. And I do want to. I mean, I do want to take it easy. You know, I think I've earned it. मैं आपको देखती हूँ. मैं सुल्ताना सिद्दीकी के से हमने इंटरव्यू किया रिसेंटली, अभी जेब बंगश से किया. एंड मैं इस बात पे थोड़ी शर्मिंदा भी थी अतीका, और मैं वो भी थी कि हमारे यहाँ इतने रोल मॉडल्स हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, लेकिन हम उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं. हमें पता ही नहीं है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है लड़कियों के लिए भी, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. आई मीन आप देखें ना, आप क्या क्या कर रही हैं. सो वो कहते हैं ना वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एक वो मूवी भी आती थी और वो बुक भी थी जिससे मैं तो बड़ा इंस्पायर होकर देखती थी कि उसने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई. आपका क्या ख्याल है, हम लोग क्या लैक करें, आज की जनरेशन या आज के कॉन्टेंट क्रिएटर्स या इंडस्ट्री क्या लैक कर रही है कि हम अपने आइकॉन्स को, अपने लोगों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं और उनका जिक्र वैसे नहीं कर पाते हैं, जैसे क्या करना चाहिए? नहीं राबिया, आई थिंक आई करेक्ट यू देयर, बिकॉज देखें सबसे बड़ा जो एक आपका एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपको ऑडियंस चाहती है. ओके, सो माय बिगेस्ट अवार्ड इन लाइफ इज ऑलवेज बीन द ऑडियंस और द अप्रिशिएशन फ्रॉम पब्लिक. दैट शुड बी इनफ. आपका पेट उससे नहीं भरा तो फिर वो अलग कहानी है. बट यह है कि मैंने, I don't know about other people, लेकिन in my case मैंने that those were not the things that kept me mobilized. मैं नहीं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कहीं से कोई तमगा मिल जाएगा या ट्रॉफी मिल जाएगी. इतने वो आए कि जी आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उठाने भी नहीं गई कि नहीं थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, इट्स ओके. बिकॉज एंड ऑफ द डे एक तो आई फील आई हैव स्टिल हैव अ लॉट टू अचीव. फ्रेंकली आई एम नॉट अ सेटिस्फाइड पर्सन इन द सेंस कि आई एम स्टिल हंग्री फॉर इम्प्रूवमेंट. जिस दिन आपको अपने जहन में लगता है ना कि बस मैंने तो कर लिया एंड मैं तो, योर लाइफ इज़ ओवर बिकॉज यू हैव गिवन अप. सो आई फील आई स्टिल हैव सो मच मोर टू लर्न, सो मच मोर टू डू, दैट आई रियली नॉट, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग राइट नाउ. सो आई डोंट थिंक आई रियली डिजर्व एनी मोर देन वॉट आई एम गेटिंग. वॉट आई एम गेटिंग इज अमेज ट्रमेंडस राइट नाउ. एंड द अदर थिंग इज दैट It's not that I want to be acknowledged. I just want the only satisfaction I want. अगर आप पूछते ना कि आपको क्या, सिर्फ मुझे ये सुनना है आपने वो काम बड़ा अच्छा किया. ये जब लोग हमें मिलते हैं बाजार में, एयरपोर्ट में, दुकानों में, पार्टीज, कहीं भी जब हम बाहर निकलते हैं अपने घर से, लोग कहते हैं ओ पता है वो मैं तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, बड़ा अच्छा है. That's it. That's my award. कि यार कोई मेरा काम देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है. अच्छा जब हम डिबेट भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, तो आप टाइम दे रही हैं, नॉट जस्ट वॉचिंग बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, यू गिविंग मी टाइम, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, इज़न्ट इट? नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मेरा डर सिर्फ ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम वो ना भूल जाएं. डजंट मैटर, हमारा काम रह जाएगा. देखें आपने बात की कि इधर इतनी चीज़ें हैं इस कमरे में, नथिंग विल गो विद मी, नॉट इवन अ ट्रॉफी. But what will remain is my work on screen, which perhaps other
kids will watch and like and maybe learn something. Pardesh. इतना मुझे आपका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग और मज़े का लगता है. ऐसे ही था स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, आपने कुछ चेंज किया, चैलेंज किया था उसको करने के लिए? अच्छा, आई थिंक ओरिजिनली प्रोड्यूसर वांटेड अ वेरी ग्लैमरस मदर. ओके. आई डिसएग्रीड. आई सेड आई हैव डन अ लॉट ऑफ ग्लैमरस रोल्स, आई वांट टू स्ट्रिप हर डाउन, आई वांट टू बी जस्ट अ माँ. क्योंकि उसका वो था कि चलो शादी हुई हुआ उससे, शायद इस वक्त शादी की जब हसीन थी, बट आई वांटेड हर टू बी वेरी नेचुरल and in a place where now her life is where it is. I wasn't about the glamour. Plus pyar ke sadke hua hua tha, very wo glamorous, bilkul glamorous. Yeah. So physically I stripped her down to a very sadi, very baal bhi nahi banati, right? you've seen it. Yes, yeah. And I think it's worked because people have kind of, shuru mein to tha, jaise I know some Hasan and Amna said she looks very uncomfortable in this role. So I messaged Hasan. I said, thank you so much for the compliment. She's supposed to be, because she never wanted to come into this house. And script mein ye tha ki iska is ghar mein aane ke baad beta hota hai. Okay. To Marina called and said, yaar ye to gadbad hai. And she was right and I agreed with Marina. Kehti ki why? And I said, yaar, as a woman, why would she come into the house to a sautan? I mean, doesn't. So we decided ki hum kahenge ki she already had the son, for which the husband decided ki for the safety of the both wife and son, main is ghar mein le aata hu. So wo timeline change kiya humne. Interesting. You know, because otherwise the story would have started ki ye bachcha is ghar mein paida hua tha. So you see, the whole dialogue changed. Jin scenes mein phir kehti hai कि और मेरा कहाँ जाता है बात, कहाँ जाता है, यू नो, वो पूरा फिर चेंज हो गया. अदरवाइज क्या होता कि भाई मैं बड़ी मजबूर थी, मैं आ गई, फिर यहाँ पे बच्चा, नो, इट डिडंट वर्क. इट डिडंट वर्क फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो देयर वर सर्टेन थिंग्स मरीना वांटेड टू चेंज, व्हिच आई थिंक शी डिड द राइट थिंग एंड वी सपोर्टेड एज एक्टर्स. एंड देन ऑफकोर्स द नेचर. अब आपको बड़ी आदत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, पावरफुल औरत. यू आर यूज्ड टू सीइंग मी दैट वे. For me, the exciting thing was to break that in your mind. So I kept her very. She's not done any loud. नहीं. चीखना चिल्लाना थोड़ा कुछ करती है बहू के साथ, फिर नरम हो जाती है, मोम बन जाती है. लेकिन वो भी चीख चिल्ला के या वो टिपिकल अंदाज में नहीं करती, वो बहुत रियलिस्टिक अंदाज में करती है. So that's very deliberate. फिर एकदम से माफ कर देती है, फिर शीमा को माफ कर देती है. So वो बहुत deliberate moments बने हुए हैं कि you know, इंसान कैसे होते हैं यार, ये नहीं होता, ऐसे होते हैं. हाँ, बिल्कुल. You know, there's all types of people. We've done the humsuffers, right? But what next? और लोग ऐसे ही होते हैं कि ज़िंदगी में कि वो आपसे थोड़ा अच्छे भी होते हैं, फिर एकदम से कोई फजूल सी बात कर देंगे आपसे. You know, फिर मुड़ के कोई बड़ा काइंड काम कर देंगे. Again, आपका एक अप एंड डाउन, हाई लो होता है. And so I wanted to do her differently, which I think शुरू में people like नहीं यार इंतजार कर रही है, कब चीखेगी, like you know, even people got used to me being a certain way on screen. So I got very happy to hear कि नहीं, ये जो उनकी जो expectation है ना, वो पूरी नहीं हो रही. I'm taking them somewhere else. And then there was that moment जब शीमा घर आती है, तो मैंने मरीना से कहा, मैंने कहा, मरीना, this is a, for this character is a very strong moment, because this is where the woman inside speaks. तो शीमा और माँ का जब वो आती है, और मैंने आपको पूरी ज़िंदगी ये बोला बुलाया, लेकिन आपने कुछ सीखा. एंड शी सेज, नो, आई अंडरस्टैंड, मुझे तुम छोड़ दो. दैट इज ऑल्सो साइड वी डोंट शो इनफ ऑफ. एग्जैक्टली, यस, यस. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि आई गॉट दोज मोमेंट्स. एंड आई थिंक चल गया है, परदेश इज डूइंग वेल. नो, परदेश इज डूइंग वेरी वेल. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि परदेश ने, जैसे आप कही ना, वो सारी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे अब कह रहे थे कि अच्छा, अब एमन आई है तो अभी वो टिपिकल साज़ की साजिश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो लेकिन इसी तरह लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक चीज़ें नहीं, उसने मुंह बंद करके ना दिल जीता है. बिल्कुल. शी इज केप्ट क्वाइट एंड शी इज, and it's not even that she doesn't like the girl, it's really more about the fact that she's worried that her son will get compromised. aapne itne mazey ki baat boli, itni interesting, because hum log bhi apne review mein ye baat kahe the ki hum kya usko waqai blame kar sakte hain, kyunki wo soch to apne bacche ka rahi hai. yeah yeah, wo bura to nahi cha rahi hai, aur un dono ka hi acha sochi jab usse kehti hai ki tum apne imtihan pe tawajjuh do. marina khan ke sath direction kaisa tha isse pehle? so marina ke sath kiya hua hai pehle bhi, humne bahut kai saal pehle humne kafi telefilm serials kiye hue hain. okay, as a director? yeah, we did a serial, humayun ka serial hi tha, in la together. phir humne, marina and I did a telefilm
called Tu Laakh Chale Ri Gori. Okay. And so that I've done work with Marina as a director. We've done a lot of. फिर हमने ये किया एक बहुत अच्छा serial किया for ARY. We've done work together. So उसमें ये है कि धूल के नाम से. So we know each other as a comfort. एक तो दोस्ती बहुत है. We are buddies, you know. दूसरा है कि we respect each other professionally. And वो एक line हम नहीं cross करते. जैसे मैं जब आती हूँ set पे as actor तो she gives me the respect कि you do your job. Yeah. And when I come on a set as a director, I say director. It's like when she said I want this. Never. कि क्यों? कैसे? कहाँ? I know she's a smart, sensible, educated director, so I trust her judgment, right? एक ये बड़ा ज़रूरी होता है एक्टर में कि आपको जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना उनको काम आता है कि नहीं आता. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है टेक्नीशियन डायरेक्टर बन जाता है. नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. सम ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड लाइक डेविड लीन एडिटर्स फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे बिकेम डायरेक्टर्स. बट अ लॉट ऑफ द बॉयज और गर्ल्स हु बिकम डायरेक्टर्स आफ्टर बींग जस्ट टेक्नीशियंस एंड डोंट ग्रो इमोशनली इन टू देयर रोल. Then they're only looking at cut points and edit points and they're not getting in depth into characterization or storytelling. And तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा बोलना पड़ता है. Thank you so much for your time. हमने इतना time लिया और अभी भी बड़ी चीज़ें जो मैंने पूछी बट मैंने कहा बहुत देर हो गई है. अब आपको भी मैं थका दूंगी बातें करते करते. अगली दफा के लिए को छोड़ दो ना. पर अब तो आपने थोड़ी देर से बाद आपको तंग करूंगी. नहीं, अब तो आपका नया ड्रामा शुरू हो रहा है ना. वो मुझे लग रहा है बहुत. वो जब होगा ना उसके बाद हम एक और और वो हम उस ड्रामे पे ही बात करेंगे. लेकिन उसकी काफी किस्तें गुजर चुकी हैं. एंड यू सी अ डिफरेंट डायनामिक्स. वी आर बोथ वेरी फनी टुगेदर. हमारे एक वेरी कॉमिकल एक एनर्जी आती है जिस पे पता नहीं हमने इतना सीरियस ड्रामा एक साथ कैसे किया. क्योंकि हम तो बस मजाकिया ही हमारा चल रहा होता है सेट पे विद ईच अदर. यू नो इट्स क्वाइट फनी. इन फैक्ट व्हेन ही एंड आई इवन लुक एट ईच अदर इन अ सीरियस रोमांटिक हमारी हंसी निकल जाती है. How do you do it? Is it easy to do romantic scenes? The other person who's very shy of romance is Mareena Khan. Oh, haan, unhone mention kiya tha. So it's very cute. So she's directed me, right? So she's directed me doing romance with Rahat Kazmi or whoever, Humayun Saeed or whatever. Wo to sofa ke peeche ja ke uski chup ke hasti raha. I mean, what kind of a director are you, yaar? I mean, you're supposed to instill confidence here. Tum has rahi ho. So it's quite cute. तो आप लोगों को तो बड़ा टाइम लगता होगा एक scene. In fact, मैंने एक play किया जिक्र है कई साल का. Saira Kazmi directed. Rahat and I are romancing together. तो मैं I would keep looking at Saira saying, Are you okay, Saira? I can imagine Saira would be like, I'm okay. Yeah, you do your. चलो, you just चलो. Not enough romance. Fix it. Fix it. अभी वही बातें ना देखें अभी. साजिद हसन से और राहत काजमी हमायूं से जब इन सबसे तो रिलेटेड बात ही नहीं की कि कैसा जर्नी था जब आपका. कैन यू इमेजिन. और माशाल्लाह सच वंडरफुल पीपल आई हैव हैड इन माय लाइफ. सायरा काजमी शी एंड आई हैव हैड अ ग्रेट हिस्ट्री टुगेदर. राहत अली वाज इन इट एज यू नो. एंड बहुत लोग आए जिंदगी में. बहुत इतने फैबुलस आई मेट फैबुलस क्रिएटिव पीपल. बड़ा मजा रहा है मिलने में. एंड यू नो लाइक Life is very short. We'll all come and go. Sitting all लगानी पड़ेगी हमें इसके लिए. Oh my God, there's so many things. हुमायूं के साथ कितना काम किया मैंने, you know. So अभी भी हुमायूं के साथ ही वाले in touch? नहीं तो हुमायूं का खैर this I mean परदेश से हुमायूं. But I tell हुमायूं से हुमायूं तुम जो हो ना बहुत बड़े यानी के I can't say it on this thing, but I said we've become mothers and sasses and grandmothers and you know. और आप हीरो अभी तक खड़े हैं तो ये तो बड़ा जुल्म है. नदीम ऐसे आपने नदीम बे को पाला हुआ है. वो आपके खूबसूरत फ्रेम बनाते हैं चाहे वो टीवी पे हो फिल्म पे हो. आई टेल नदीम आल्सो नदीम इज आल्सो डियर फ्रेंड. आई लाइक नदीम ही इज पालोड यू सो दैट ही कैन रिटेन हिज हीरो सॉर्ट ऑफ यू नो स्टेटस इन द दिस थिंग बिकॉज़ ऑल ऑफ अस हैव बिकम मदर्स एंड सासेस एंड दिस गाय इज स्टिल प्लेइंग द लीड. सो आई सेड इट्स ऑल बिफोर नदीम बिकॉज़ ऑफ नदीम बे फॉर श्योर. हमारी तो फिर स्माइली करते होंगे वो और कुछ नहीं बोलेंगे. ही इज आल्सो वेरी क्यूट. यस थैंक यू सो मच राबिया. नाइस हैविंग यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इतने मज़े की आपने कहानियाँ भी हमसे शेयर की और बड़ी अच्छी बातें भी बताई. विच आई रियली रियली होप कि कुछ लोग सुन रहे हैं और वो सीखें और स्पेशली लड़कियों को हिम्मत मिले और वो बहुत कुछ करें ज़िंदगी में. नहीं गलत काम ना करें. गलत काम नहीं करें. नहीं कोई गलत काम ना करें. अच्छे काम करें. मेहनत करें. अपने आप में यकीन रखें और ट्रस्ट पीपल टू हेल्प यू एंड कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड ऑफ कोर्स बट लिव योर लाइफ. Don't live somebody else's life. That's the main message here, you know. Bilkul. And best of luck with your new project. We'll invite you. Inshallah. Aap se bahut jald dobara mulaqat hoti hai.